मेरे प्यारे दर्शकों को देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का सादर नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक और लक्षद्वीप से ले तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से ही तय होती है। साथ ही बहस में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी बहस पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है सबसे पहले वो बता देते हैं। 77% लोगों ने इसे वोट दिया है। हमारा आज का मुद्दा है, क्या CAA बीजेपी के लिए दोधारी तलवार हो गया है? एक बार ग्राफिक्स के जरिए मुद्दा देख लेते हैं, क्या CAA बीजेपी के लिए दोधारी तलवार हो गया है? इसे ही सबसे ज्यादा मत मिले हैं 77%। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इसका संदर्भ भी आपको बताएंगे। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA जिसे संसद ने पास किया था उसके बाद देश में कितना हंगामा हुआ ये सबको पता है। वो तारीखें अभी तक देश भूला नहीं है, लेकिन अब जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है ऐसे में CAA एक बार फिर से मुद्दा बन गया है। वो इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया है कि पहली ही कैबिनेट मीटिंग में CAA को पास किया जाएगा और लोगों को नागरिकता दी जाएगी। वहीं असम में इस मुद्दे पर बीजेपी खामोश है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में सिर्फ इतना कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार सही NRC हम लेकर आएंगे। असम भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि CAA असम में मुद्दा है ही नहीं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक ही कानून पर 2 राज्यों में अलग अलग राय रखने पर क्या राजनीतिक तौर पर मजबूर हुई है? वहां के हालातों को देखते हुए पहले यह समझ लेते हैं। CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बीजेपी के लिए मुद्दा एक, लेकिन असम और बंगाल के लिए 2 अलग अलग संकल्प। जी हाँ, बीजेपी ने बंगाल के अपने संकल्प पत्र में साफ कर दिया कि राज्य में सरकार बनते ही पहली ही कैबिनेट की बैठक में CAA लागू कर दिया जाएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन ठीक इसके अलग असम में पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने इस संकल्प को नहीं दोहराया, यानी असम में बीजेपी CAA से दूरी बना रही है। मतलब साफ है कि चुनाव में बाजी मारने के लिए संकल्प नहीं दोहराया गया, इसलिए विरोधियों को बैठे बिठाए मुद्दा मिला है। हालांकि असम में बीजेपी की राज्य इकाई CAA को वैचारिक स्टैंड बता रही है। ये तो सवाल ही नहीं, आइडियोलॉजिकल स्टैंड है, भाजपा की आइडियोलॉजिकल स्टैंड है, क्योंकि CAA के लिए कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। मगर कांग्रेस असम में NTCA माहौल को भुनाने में जुटी है। असम में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी का गमछा दिखा जिसमें नो CAA का मार्क था। दूसरी ओर बंगाल में ममता दीदी समेत देश भर में कांग्रेस CAA के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुकी है। ये बीजेपी वाला वाले कितना भी नाच गाना कर ले CAA यहां नहीं आएगा, इसको हमने पूरे देश में रोक रखा है। दूसरी गारंटी है कि ये यहां नहीं आएगा, चाहे कुछ भी कर ले। कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तो ट्वीट कर बीजेपी को कड़ी चुनौती दे डाली है। सुरजेवाला ने ट्वीट किया है कि हम चुनौती देते हैं भाजपा और श्री अमित शाह को कि असम में भी CAA कैबिनेट की पहली बैठक में वादा कर वोट मांगे। संसद में CAA पारित हुए करीब 15 महीने बीत चुके हैं, लेकिन ये कानून अभी तक लागू नहीं हो पाया है। बावजूद इसके चुनावी राज्यों में इस मुद्दे पर अलग अलग घमासान जारी है। आप जब भी स्टैंड आप इशू को लेंगे या उसको उल्टेंगे तो आपको फायदा हो सकता है उसका, पर ये तो लोगों पर डिपेंड करता है ना, वोट लोगों को डालना है। 27 मार्च को असम और बंगाल में पहले दौर का मतदान होना है। CAA के मुद्दे ने चुनावी माहौल में और तड़का लगा दिया है। देश की बहस में चर्चा है कि चुनावी मौसम में जिस तरह वादे और इरादे दिखाई दे रहे हैं वो बीजेपी के लिए चुनौती बन रहे हैं। सवाल ये भी है कि अब विरोधियों को बीजेपी को घेरने का क्या सही मौका मिला है?
तो आपको पता है देश की बहस में हम इसी से जुड़ा एक सवाल पूछते हैं और शो के अंत में बताते हैं कि देश के बहस की दर्शकों की राय क्या है। आज का हमारा सवाल हम आपको बता दें, क्या CAA पर बीजेपी की रणनीति का जवाब विरोधियों के पास है? क्योंकि CAA जिस ढंग से पास हुआ और जिस ढंग से ये देश के अंदर मुद्दा बना, ये सबने देखा है। अब इस पर फाइनली वोटिंग होनी है। दो ऐसे अलग अलग राज्य जहां CAA अलग तरह का मुद्दा बना हुआ है, एक असम और दूसरा पश्चिम बंगाल, दोनों जगह घुसपैठियों की समस्या है। आप हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं। वोटिंग के विकल्प आप जानते हैं, आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल @NewsNationTV पर जा सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। अगर आपका कोई राय है, सुझाव है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर एक छोटा सा व्हाट्सएप भेज दे। सबसे पहले अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरे साथ दो बड़े खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ देश के जाने माने लॉयर हैं। मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत जी हैं जो फॉर्मर जर्नलिस्ट रही हैं, मैं उनका हमेशा से बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो कांग्रेस पार्टी की। थोड़ी देर में मेरे साथ TMC से तौसीफ रहमान और राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी जी भी जुड़ेंगे, मेरे ख्याल से जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले गौरव मैं आपके पास आना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल और असम दोनों जगह घुसपैठियों की समस्या है, दोनों जगह इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं। अब मुझे आप ये बताइए, क्या आप ये वादा असम में क्यों नहीं करते कि पहली ही कैबिनेट मीटिंग के अंदर हम CAA को लागू कर देंगे जो आपने पश्चिम बंगाल में किया था? देखिए, सबसे पहले तो चौरसिया जी मैं आपको एक बात बताऊं, आज ही असम में भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जो है संकल्प पत्र रखा है जनता के समक्ष, और कोई विरोधाभास है नहीं, और उसकी कारण मैं आपको बताता हूँ। CAA एक दशकों पुरानी मांग थी जिसको पूरा किया संसद में पारित करा के भारतीय जनता पार्टी ने, तो वो आज एक कानून है। इसके तहत रूल्स आने थे और रूल्स आने में जो देरी हुई वो कोविड की वजह से हुई, और जब हमारे वरिष्ठ नेताओं से ये प्रश्न पूछा गया तो आपने बंगाल का तो बता दिया, लेकिन आज असम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP Nadda जी भी थे, उनसे ये सवाल पूछा गया और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि CAA यहाँ भी लागू होगा और रूल जल्द लाए जाएंगे। विरोधाभास कहाँ होता है मैं आपको बताता हूँ। विरोधाभास ये होता है कि मनमोहन सिंह जी जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे राज्यसभा में तो वो खुद CAA की वकालत करते थे, लेकिन आज कांग्रेस क्योंकि मुसलमानों को चाहे वो देश का नागरिक क्यों ना हो वोट बैंक समझती है, इसलिए उसका विरोध करती है। और आप एक सवाल केवल कांग्रेस की प्रवक्ता से जरूर पूछिएगा, असम के इनकी जो 5 गारंटी है उसमें एक गारंटी इन्होंने दी है कि CAA का कानून हम वापस ले लेंगे। संसद का पारित कानून जो कि यूनियन लिस्ट में आता है, क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट या विधायिका असेंबली वापस ले सकती है? तो ये अज्ञानता जो है ये कांग्रेस की लीडरशिप में है, दिशाहीन, नेतृत्वहीन, मुद्दाहीन ये राजनीति आज करते हैं और धोखे की राजनीति करते हैं। दूसरी बात, NRC और CAA में फर्क है। असम में NRC जो लागू हुआ चौरसिया जी, ये लागू हुआ सर्वोच्च न्यायालय के तत्वाधान में, सर्वोच्च न्यायालय मॉनिटर कर रहा है, और हमारा मैनिफेस्टो भी ये कहता है क्योंकि यहाँ के जो नागरिक हैं उनकी कुछ चिंताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय फैसला कर सकता है कि गाइडलाइंस को और बेहतर कैसे बनाया जाए, यही बात हमारा मैनिफेस्टो कहता है। इसलिए कोई विरोधाभास नहीं है और कोई भी घुसपैठिया ठीक है भारत में नहीं रह सकता, ये हमारा कानून है। शरणार्थी और घुसपैठियों में फर्क समझना हो, ठीक है, शरणार्थी और घुसपैठियों में फर्क समझना होगा। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत जी, बात तो सही है, आपने कहा आप CAA लागू नहीं करेंगे, वापस ले लेंगे, लेकिन केंद्र के कानून को असम की राज्य सरकार कैसे वापस लेगी? और वाकई ये भी एक हकीकत है कि खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने CAA की मांग लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हुए करी थी और उनका यह भाषण ऑन रिकॉर्ड है राज्यसभा में। मैं इन सब बातों का जवाब दूंगी। सबसे पहले तो मैं भाजपा का दिमागी और नैतिक दिवालियापन के बारे में ज़रूर बात करना चाहूंगी।
बंगाल में पहली ही कैबिनेट मीटिंग में सीए लागू हो जाएगा और असम में उसके बारे में सुईपटक सन्नाटा रहेगा। जब सवाल पूछा जाएगा तो कहेंगे हाँ हम कमिटेड है, क्यों नहीं आपके घोषणा पत्र का हिस्सा है, तमिलनाडु में आप क्यों नकार गए उस पूरी बात को, उस पूरे डिबेट में जब आपसे पूछा गया श्रीलंका से ना दीपक जी, तमिल हिंदुओं को तो आने की परमिशन ही नहीं है श्रीलंका से, की मर्यादा बनाइए, दीपक जी बात नहीं करूंगी, शब्दों की मर्यादा तोड़ी तो यही इज्जत तार तार हो जाएगी, बची कुछ ही वैसे मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं कभी बीच में नहीं टोकता हूँ, बीच में टोकना मेरी आदत नहीं है, कृपया दोनों शब्दों की मर्यादा बनाए रखे, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद। एक अत्यंत अभद्र आदमी से मैं बात नहीं करना चाहूंगी, लेकिन ये नैतिक दिवालियापन है और नैतिक दिवालियापन इसलिए है क्योंकि बंगाल में पहली कैबिनेट मीटिंग में लागू हो जाएगा सीए और असम में सीए पे चुप्पी रखी जाएगी, तमिलनाडु में इनका मानसिक दिवालियापन है, इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी ना, इनको यही सुनानी पड़ेगी, खड़ी खोटी यही सुनाएंगे, ओछी हल्की घटिया महिलाएं जब ये ओछी व्यक्तिगत टिप्पणियां करती है, ये दीपक जी तरीका ठीक नहीं है। गौरव जी महिलाओं के बारे में ऐसी बातें नहीं, प्लीज हम सब नहीं, सम्मान तो करते हैं। इन्होंने क्या बोला, व्यक्तिगत टिप्पणी तत्र देवता हमारे हाँ, और महिला गाली दे मानना है, महिला आके व्यक्तिगत अच्छा महिला आके व्यक्तिगत टिप्पणी करे वो ठीक है, गाली दे वो ठीक है, यहाँ चर्चा करा रहे हैं कि गाली देने का क्यों चल रहा है। मैं सुप्रिया जी से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, उसका उत्तर दे। मूल बहस पे रहते गौरव जी, आप सिर्फ आधे घंटे के लिए जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मूल बहस पे रहते हैं सुप्रिया जी, मूल बहस पे रहते हैं। दीपक जी मैंने एक शब्द इनके बीच में बोला नहीं था, मैंने एक शब्द इनके इस टिप्पणी पर भी नहीं बोला, इन्होंने मुझे आपके शो पर ओछी महिला हल्की महिला घटिया महिला कहा, अगर आपको लगता है कि यह व्यक्ति की शब्द की मर्यादा है तो मुझे बोलना पड़ेगा, बहुत ही ओछा गिरा हुआ घटिया आदमी है ये, इसको तमीज से बात करनी चाहिए, ये तुच्छ प्रकृति का बदतमीज आदमी है, मैं इसकी बदतमीजी नहीं सुनूंगी, मैंने नहीं कहा था, मैंने नैतिक दिवालियापन कहा था, तुम अपना वैचारिक दिवालियापन भी दिखा रहे हो, ये किस तरह की भाषा की प्रयोग कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये बदतमीजी करेंगे और मैं सुनूंगी तो मैं सुनती तो किसी के बाप की नहीं, उनकी क्या सुनूंगी मैं, ये तमीज से बात करें, तमीज से डिबेट करें, ये राष्ट्र के नाम संदेश देंगे, औरतों को खुलेआम गाली देंगे और मैं चुपचाप बदतमीजी करूंगी, क्या मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी भाई, तो नैतिक दिवालियापन तुम्हारी पार्टी को कहा, इसमें कौन सी नैतिक दिवालियापन नहीं है, कौन सी इसमें ओछी प्रकृति की बातें करते हो, बदतमीजी की बातें करने आते हो, असल में मुद्दा भटकाना है ना, क्योंकि गला पकड़ दिया गया तो मुद्दा भटकाना है, मुद्दे पे बात करो यार, फर्क नहीं पड़ता, हम आपकी बकवास सुनेंगे, कितनी गाली दो आके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हो कौन? आप मुझे कितनी भी गाली दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जमानत जब्त हो गई तुम्हारी, आपका बैकग्राउंड आपकी परवरिश दिखाता है, आप मुझे और थोड़ी सा गालियां दीजिए, एक दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, आपको पूरा देश देख रहा है इस वक्त, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, गौरव सुप्रिया जी दोनों से, दीपक जी गौरव जी सुप्रिया जी दोनों से, आप दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, पूरा देश आपको देख रहा है, मुझे और गोलियां दे, इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणियां क्यों करी मेरी पार्टी के बारे में, गलत बोला, मानसिक दिवालियापन तुझ प्रवक्ता कैसे बोला, मैं हाथ जोड़ूंगा, मुझे और गालियां दीजिए, सारा देश देखे तो इनका असली चेहरा, एक महिला को यहाँ पर घटिया कहना, सारा देश देखे तो इनका असली चेहरा, ये किस तरह का आदमी है, और गालियां दीजिए आप, दिखाइए अपना असली चेहरा, दिखाइए अपना असली रंग, क्योंकि भाई उसी मानसिकता के आदमी हो तुम, जो तुम्हारी पार्टी की मानसिकता है, चुप रहिए आप, अब मैं मुद्दे की बात करना, और गालियां दीजिए आप, बहुत अच्छा है, दिखाइए अपने असली रंग, कैसे औरतों का शोषण होता है तुम्हारी पार्टी में, बचिया तुम मैं देखूंगी तुम्हारी, और गाली दो, बहुत अच्छा है, आप नेशनल टीवी पर गाली देते हो, और सीधी गवार हो, पार्टी के क्या बातें करते हैं, पढ़ी लिखी होने से सभ्यता नहीं आती, गवार आप, गवार हो आप, गौरव जी प्लीज, और दलाली प्लीज, जब आप पत्रकार थी, हाँ गवार जी, गौरव जी प्लीज, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं, सुप्रिया जी व्यक्तिगत ना ले, हम दोनों मुद्दे पर बात करें, दीपक जी पहले आप इनसे माफी मंगवाइए, इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी आपके शो पे कैसे करी, चाहती हूँ कैसे मुझे और गालियां दे, देश इनका असली रंग तो देखे, इनका असली चेहरा तो देखे, देश और गालियां दीजिए आप मुझे, और व्यक्तिगत बातें करिए,
जितनी अभद्र भाषा आप ये गौरव भाटिया सारी बोल डालो, सारी बोली आज आपका असली चेहरा तो दिखे लोगों को, ये तुम्हारा असली मुखौटा है, ये औरत की इज्जत करते हैं ये लोग। और गाली दीजिए आप, और गाली दीजिए मुझे आप, आपकी असली चेहरा तो दिखे। पुरुष क्या करते हैं, तैयारी नहीं करके आती क्या? मैं बहस करने आई हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये मुझे कितनी गाली दे, मैं सीए पे बोलना चाहती हूँ, अगर आप मुझे बोलने की इजाजत देते तो ठीक है, लेकिन शो पे रहने का मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं बोलना चाहती हूँ, गौरव जी अब हो गया, अब हो गया, सुप्रिया जी अब हो गया, गौरव जी अब हो गया, सुप्रिया जी अब हो गया, मूल मुद्दे पर आ जाते हैं प्लीज। मैं दोनों से कहूंगा शब्दों पर संयम रखे, दोनों से लिए, दोनों के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है, अब बोलने दीजिए गौरव जी, सुप्रिया जी को, सुप्रिया जी बोलिए, सीए दीपक जी, दीपक जी आप तो एंकर हैं, दीपक जी आप एंकर हैं, आप रिवाइंड करिए और देखिए किसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मुझे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता ये मुझे, और गाली देने उसका स्वागत करती हूँ, क्योंकि देश देखे तो उनका असली चेहरा। सीए के मुद्दे पर बात करने आई हूँ तो मैं जरूर देखना बोलना चाहूंगी, भाजपा जो है बंगाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में, भाजपा जो है बंगाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में तो सीए लागू करेगी, लेकिन असम में सीए पे मुंह पे दही जम जाएगा, तमिलनाडु पे सीए पे सवाल पूछा जाएगा तो नकार के चुपचाप बगले झांकने लगेंगे। क्यों? क्योंकि कोई मानसिकता ही नहीं है। कोरोना काल में सीए पे कानून नहीं बदल पाया, लेकिन कोरोना काल में किसान विरोधी तीन तीन कानून बन गए जो वापस नहीं किए जाएंगे। कोरोना काल में ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस बन गई, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इनको खुद ही नहीं पता इनका सीए पे स्टैंड क्या है, और ये सच है क्योंकि एनआरसी के चलते असम में 19 लाख लोग आज इलीगल माइग्रेंट घोषित हो गए, इनकी औकात नहीं है वहां पर बोलने की सीए पर। मैं तो सिर्फ सवाल पूछना चाहती हूं कि अगर आप वाकई में चाहते हैं सीए लागू हो तो देश भर में लागू करिएगा ना। और अरुण जेटली ने जब लैंड एक्विजिशन बिल भाजपा ने लागू किया था तो 292 के अंदर उन्होंने कहा था ना कि राज्य इसको खाली कर सकते हैं, पारित कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, कहा था कि नहीं कहा था? उसी के अंतर्गत पंजाब ने तीनों कानूनों को रद्द करते हुए कानून पारित किए हैं। क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर बैठी हुई है? वैसे ही हम भी असम में सरकार बनाएंगे, सीए के कानून को पारित करेंगे। इन्होंने ही रास्ता दिखाया हुआ है, लैंड एक्विजिशन बिल इन्होंने ही सेक्शन 292 के अंदर कराया हुआ है। तो ये बातें क्यों झूठ बोलते हैं? और पूरे देश में इनकी एक सरकार चलेगी, एक कानून चलेगा या कुछ भी चलाएंगे? बंगाल में पहली कैबिनेट में लागू करेंगे, असम में घोषणा पत्र में नहीं डालेंगे, तमिलनाडु में जब सवाल पूछा जाएगा तो बगले झांकने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप हिंदू हैं, अगर आप हिंदू भी हैं और अगर श्रीलंका से आप प्रताड़ित हो रहे हैं तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। ये इनका त्रुटिपूर्ण कानून है जिसके अभी तक 2 साल होने को आ गए, कानून के सेक्शंस नहीं बन पाए हैं क्योंकि इनकी पारदर्शिता ही नहीं है। सच तो ये है, मुद्दे की बात करेंगे नहीं, गालियां मुझे ठीक है, मैं सीधे सीधे यही सवाल लेता हूँ, यही सवाल लेता हूँ गौरव भाटिया जी, अगर अगर नियम कानून, नियम कानून तो बंद कमरे में बनते हैं। अगर कृषि सुप्रिया जी सुनिए आप ही का सवाल ले जा रहा हूँ गौरव जी, कानून तो नियम कानून तो कमरों में बनते हैं। आप किसानों पर बिल ला सकते थे, ऑर्डिनेंस ला सकते थे, तो सीए पर रूल भी ला सकते थे, उसको जानबूझकर डिले क्यों किया? क्योंकि आपको पता था असम और बंगाल के चुनाव आने वाले। देखिए दीपक जी, सबसे पहले एक बात कहूंगा, व्यक्तिगत टिप्पणियां करें यहाँ आपके शो पे, आप इस शो के कर्ता धर्ता हैं और ये सुनिश्चित करना कि मर्यादा बनी रहे। वो मैं गाली सुन रहा हूं इनकी। अब बीच में बोल रही है, चुप रहूं, देख रहे हैं ये कुछ भी बोलकर चले जाए, मैं इस तरह की डिबेट करने वाली नहीं हूं। आप महिला ने दोनों को कहा, गौरव जी मैंने आपको कहा, सुप्रिया जी मैंने आपको भी कहा कि शब्दों की मर्यादा कृपया दोनों बनाए रखें। मैंने आपसे ये तक कहा कि आप दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, लोग आपको आइडियलाइज करते हैं। आप रिवाइंड करके देख लीजिए किसने ओछापन दिखाया, आप रिवाइंड करके देख लीजिए किसने बदतमीजी शुरू करी, देखिए आप रिवाइंड करके किसने बदतमीजी शुरू करी शो पर, किसने मुझे गालियां दी पब्लिकली, रिवाइंड करके देखिए। अच्छा सुप्रिया जी, सुप्रिया जी मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं ना, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं जो बेहद जरूरी है। आपका सवाल लॉजिकल है और उसका जवाब बेहद जरूरी है, अभी व्यक्तिगत नहीं होते हैं। गौरव जी जवाब दीजिए मेरे सवाल का। इनके पास जवाब नहीं है, ये पाखंडी लोग, इनके पास क्या जवाब होगा? कोई जवाब नहीं है इनके पास। अरे फिर आप देखिए चालू हो गई, पप्पू की प्रवक्ता, बिस्किट खिलाऊंगा क्या दोबारा? बिस्किट खाओगी, 2 बिस्कुट उछालूंगा, तीन उछाल दूंगा, दौड़ती रह जाओगी, चुप करिए। बिल्कुल तमीज से बात करो गौरव भाटिया, बदतमीज खिलाऊंगे तुम्हें, बदतमीज खिलाऊंगी की ठीक हो जाएगा, तमीज से बात करो।
पाखंडी औरत हो तुम, हल्के आदमी, पाखंडी औरत बिस्किट उछालेंगे, तीनों खाओगी एक बार में, चुप बदतमीज आदमी, चुप चुप पाखंडी तुम, ओछे तुम, हल्के तुम। अरे पाखंडी औरत मूर्ख दलाली करती थी, पत्रकार थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्रचार कर रही थी। अरे गौरव जी, सुप्रिया जी प्लीज, गौरव जी सुप्रिया जी प्लीज, नहीं मिला तुम्हें अभी तक। हम नेशनल डिबेट पर हम इतने व्यक्तिगत ना हो, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप दोनों मुझसे ज्यादा समझदार हैं। इस तरह से बात करनी चाहिए, एक औरत जब बदतमीजी करेंगी, एक मिनट दीपक जी इनको शांत कराइए, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गौरव जी प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं, सुनूंगी क्या है? सुप्रिया जी आप व्यक्तिगत ना हो, गौरव जी सुप्रिया जी दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अरे ये किस तरह के शब्दों का अपमान कर रहे हैं आप? बेहद गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं, हम बेहद गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं, हमको उस गंभीरता को बनाए रखना चाहिए, और आपकी दोनों पार्टियां गंभीर पार्टी हैं। इनके पास ये गंभीर आदमी को लाए, हम बेहद गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। आप मेरे से वन टू वन बात करिए, उनको हटाइए, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुनिए। अच्छा सुप्रिया जी, सुप्रिया जी आप ही के सवाल का जवाब ले लेते हैं, प्लीज खामोश हो जाइए, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए, ये शो को डायरेक्ट करेंगे क्या? हाँ सुनिए दीपक जी, मेरा आपसे सवाल है, जब एक डिबेट चलती है तो पुरुष महिला क्या होता है? महिला गाली दे सकती है पुरुष को क्या? मैं हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, लेकिन ये गलत बात है कि आप इसको अनदेखा करके मेरा नाम लेके बोल रहे हैं। अब सुनिए, अब सुनिए, ये वो प्रवक्ता है, मैंने दोनों का नाम लेके बोला, मैंने सुप्रिया जी को भी बोला और मैंने गौरव भाटिया जी को भी बोला कि कृपया शब्दों की मर्यादा बनाए रखे, मर्यादा बस, आप जबरदस्ती क्योंकि आपके पास जवाब ही नहीं है बातों का। सुनिए चुप करिए, शांत कराइए इन्हें, पाखंडी औरतों की मर्यादा बनाना दोनों लोगों पर है, अगर ये बदतमीजी करेंगे तो मैं सुनूंगी नहीं, इन्होंने शुरू करा लेना है, इनको चुप करा दीजिए, इन्होंने शुरू करा, चीकम चिल्ली करने नहीं आए, इनको चुप तुर रहा हूँ, कानून का क्या नहीं आता है, ये फालतू बकवास करिए, तो करिए सिद्दी की प्रवक्ता, तुम्हें बढ़ाता है, तुम्हें बढ़ाता है कानून का काम, अब्बू की प्रवक्ता, अभी अभी जवाब सुन लो, अगर हिम्मत है तो कानून नहीं बनाता है, अरे चलो ठंडी कहेंगे, कहीं पर क्या होगा कहीं पर नहीं होगा, सिद्दी की प्रवक्ता और इसकी पार्टी भी, दीपक जी ये गलत बात है, मैं अपने समय में अपनी बात रखूंगा, मूल मुद्दे पर आ जाए, बेहद गंभीर विषय है, सुप्रिया जी गौरव भाटिया जी सीए बहुत गंभीर विषय है, और गौरव भाटिया आप 9 बजे शो से चले जाएंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रख दीजिए, या झगड़ते रहेंगे आप दोनों, टिकट नहीं मिलेगा इनको अभी, चलिए सुप्रिया जी प्लीज जवाब सुन लीजिए, और प्लीज दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गौरव भाटिया सुप्रिया जी आप दोनों बहुत समझदार हैं, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं। देखिए जब कानून का नहीं आता है, जैसे इनके लीडर वैसे ही प्रवक्ता कह रहे हैं कि सेक्शन ही नहीं आया, रूल्स बनते हैं सेक्शन नहीं, कानून तो आ चुका है, पारित हो चुका है, और इनको ये भी नहीं पता है जो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट होता है ना दीपक जी, उस पे असेंबली कोई कानून नहीं ला सकती है, इनको कॉन्करेंट लिस्ट का पता ही नहीं है, शेड्यूल 7 पढ़िएगा। तीसरी बात, इनकी पार्टी में किसी की औकात नहीं है जो ये बता दे कि तरुण गोगोई जब कहते थे बदरुद्दीन अजमल कौन, बदरुद्दीन अजमल, आज बदरुद्दीन अजमल राहुल गांधी बता रहे हैं कि असम की पहचान है, आज अध्यक्ष जी ने हमारे कहा कि असम की पहचान भूपेन हजारिका जी हैं या बदरुद्दीन अजमल। तीसरी बात, ये लोग भ्रम फैलाते हैं कि सीए का कानून जब आएगा मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, आप बताइए किस मुसलमान की नागरिकता गई, इनके लिए रोहिंग्या जो कि नागरिक नहीं है जो बाहर से आते हैं वो इनके भाई हैं, दर्द होता है, लेकिन अगर हम लोग जो हिंदू प्रताड़ित है मुस्लिम बहुल्य देशों में तो ये कहते हैं कि उनको आप शरण मत दीजिए, ये तो चुनी हुई सरकार तय करेगी ना कि कानून कैसे आएगा, और हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि जो लोग ऐसे मुस्लिम बहुल है, अरे चुप करिए, सवाल पूछ रही हूँ, चुप, इनको चुप कराइए दीपक जी, चुप कराइए शांत, चुप चुप, और विचारधारा पे एक सवाल जवाब दे दो ना, पश्चिम बंगाल के हिंदू क्यों नहीं आ सकते, चुप कराइए, क्यों तमिल हिंदू श्रीलंका से नहीं आ सकते, देखिए मैं फिर बदतमीजी मत करो, जवाब दो ना, महिलाओं से मत चर्चा कराइए, क्यों नहीं आ सकते, ये लोग आती इसीलिए, तमिल हिंदू क्यों नहीं आ सकते श्रीलंका से, ये कैसा कानून बनाया है, सेक्शन 6 कैसा कानून बनाया है, सिटीजनशिप
क्यों नहीं आ सकते? तमीज से बात करना गौरव भाटिया, नहीं ऐसी औकात याद दिलाओ की तुम्हारी की टीवी पे आने लायक नहीं रहोगे। तमीज से बात करना, बदतमीजी की टिप्पणियां मत करना, अपनी औकात दलाली की मत दिखाओ यहाँ पर। दलाल दलाल हो आप, फिर मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा गौरव प्लीज, आपको पता है दोनों बहुत समझदार हैं आप, दलाली करते थे चुप रहो, अब दलाली कर रहे थे चुप रहो। दलाल पढ़ाइएगा जब मैं चला जाऊं दीपक जी, सेक्शन 6 पढ़ाइएगा, सेक्शन 6 दलाल बोल रही है, देखिए खुद दलाली करती है, पूछिए सवाल कहते हैं सबसे ज्यादा दलाली करी है इस महिला ने, क्यों नहीं आ सकते सबसे ज्यादा दलाल है ये महिला, और इसकी जमानत जब्त हो गई। मैं दोनों के हाथ जोड़ता हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं प्लीज, बहुत सीरियस मुद्दा है, प्लीज व्यक्तिगत ना होइए, मैं दोनों के हाथ जोड़ता हूं। भाजपा में आ गए तो मेरे लिए बड़ा इंप्रेसिंग हो रहा है, ऐसी घटिया प्रधान ही लड़ने लायक आदमी नहीं है प्लीज, सुप्रिया गौरव इतने व्यक्तिगत ना हो, प्रधान का चुनाव लड़के दिखा दो गौरव भाटिया, बड़ा दम चाहिए होता चुनाव लड़ने के लिए, इस्तीफा दे के बदतमीजी करेगा सुनूंगी इसकी बात। अरे दलाली तुम करते हो, दलाल तुम हो, सपा से भाजपा में कैसे आए सबको पता है, सबको पता है क्या होता था घर में, एक सपा में रहता था एक भाजपा में रहता था, सबको तुम्हारी असलियत पता है, ये तक तुम्हें नहीं दलाल बनती अपनी मत बताओ, दलाल तुम हो सपा से भाजपा में पलटी मारकर आए, ये सच है और ये भी सच है कि कानून का क्या पता है। अच्छा मैं दोनों को शांत करता हूँ, मैं दोनों को शांत करता हूँ, दोनों थोड़ा एक एक गिलास पानी पिए, तब तक मैं रोहित शर्मा के पास चलता हूँ, मेरे दर्शक पुणे से जुड़े हुए हैं, दोनों प्लीज एक एक गिलास पानी पीजिए, दोनों प्लीज एक एक गिलास पानी पीजिए। सुप्रिया गौरव सीधे रोहित के पास, रोहित बताइए क्या सीए कानून लागू होना चाहिए देश में, क्या सही कानून है ये? सर सीए जो है वो राष्ट्र मुद्दा है, बट उस पर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जब बात देश की एकता अखंडता और सुरक्षा की है उस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो राष्ट्र हित के लिए है, जो देश हित के लिए है, उसे सबका समर्थन होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, मैं सीधे तौसीफ के पास चलता हूं। तौसीफ आपको लिए तो ऐसा लगता है कि टीएमसी ने जैसे विदेशी और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, खासकर मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए इलीगल इमिग्रेशन के सारे दरवाजे खोल दिए हैं, ऐसा क्यों? आप भी जानते हैं आप सीए रद्द नहीं कर सकते, तो किस बिना पर कह रहे हैं कि हम सीए पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे? मैं एक मिनट में सुप्रिया जी आ रहा हूँ आपके पास। तौसीफ देखिए, पहले तो 30 मिनट हो गया है, 30 मिनट से मैं यहाँ पर बैठे वक्त बर्बाद कर रहा था, और ऐसा भी है कि मैं सुप्रिया जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ कि जो बिहेवियर हुआ है उनके साथ आपके माध्यम से, आपके चैनल से, वो बहुत ही डिप्रेसिंग था, मुझे बहुत बुरा लगा। और रही बात बंगाल में सीएए आने की, देखिए ये ख्वाब है, यहाँ पर कुछ नहीं तो हो सकता, यहाँ सीए नहीं आ सकता जा रहा हूं। और यहाँ आने दिया भी नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, और अगर सीए यहाँ पर आने पे, देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे ऊपर कौन बोल रहा है, गौरव भाई बोल रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पता नहीं गौरव भाई चिल्ला रहे हैं, शायद वो नहीं सुनाई थी सर। अगर बोलने ही नहीं सकता हो तो फिर क्या फायदा फिर? थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव भाई सुप्रिया जी, तौसीफ भाई, संगीत रागी जी, मैं बड़े पेशेंस से आप सबकी बात सुन रहा था, मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि मुद्दे पर हम बने रहते हैं वही बेहतर होगा। तौसीफ आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। तौसीफ नाराज हो गए, तौसीफ को मनाइए, तब तक मैं सुप्रिया जी के पास चलता हूँ। सुप्रिया जी, गौरव जी ने आपको साफ साफ जवाब दिया, कि ये आइडियोलॉजिकल स्टैंड है और आप ऐसे किसी भी सीएए को राज्यों के आधार से कानून रद्द नहीं कर सकते। राज्य सीएए का कानून किसी आधार पर रद्द नहीं कर सकते, और ये भी नहीं कह सकते कि हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे। अब मैं बोल लूं,
नहीं, ये गलत इन्होंने भ्रमित किया है, बिल्कुल कर सकता है राज्य कानून पारित कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत बात वो करके गए। मैं एक बात जरूर बता देना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से, ये असम में सीए की पैरवी नहीं कर रहे, तमिल में नहीं कर रहे, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। आप तो पत्रकार रही हैं, राज्यों के क्या अधिकार हैं और केंद्र के क्या अधिकार हैं आप अच्छी तरह जानती हैं, ये कॉन्करेंट इसका मसला है। दीपक जी मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए ना, दीपक जी पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूं, मैं आपके जवाब सवाल का भी जवाब दूंगी। तीन देशों की बात करता है सीए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, छह धर्मों की, हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन। अगर आप हिंदू ब्राह्मण या हिंदू तमिलियन श्रीलंका में है तो आपको कितनी भी आपके ऊपर बर्बरता हो जाए, और उनके साथ बहुत बर्बरता होती है, आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर आप सिंधी पाकिस्तान से हैं तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर आप क्रिश्चियन भूटान से हैं तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। क्रिश्चियन इन तीनों देशों से हैं तो कहीं से मिल जाएगी। और एक बात बता दीजिए, शिया और बलोची से ज्यादा कौन प्रताड़ित है, उनको क्यों नहीं नागरिकता मिलेगी? अच्छा, दूसरी बात मुझे एक और चीज बता दीजिए, इनकी किस बात का यकीन किया जाए? पहले उन्होंने कहा था पूरे देश में एनआरसी होगी, और ये 9 और 11 दिसंबर 2019 को गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला था। जून 2019 में जॉइंट सेशन में राष्ट्रपति, जो कि अधिवेशन पढ़ते हैं सरकार का ही, उन्होंने बोला था एनआरसी होगी। अब ये कहते हैं एनआरसी नहीं होगी, सीए आएगा। इनकी किस बात पर यकीन किया जाए, मैं ये पूछना चाहती हूं। जो 3000 लोगों के लिए कैंप गोवालपुर में बन रहा है असम में 46 करोड़ रुपए में, उसमें कितने लोग जाएंगे और ऐसे कितने कैंप बनेंगे, किस पैसे से बनेंगे, वहां किसको भेजा जाएगा? इन्होंने कहा 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आया है इन छह धर्मों से, इन तीन देशों से, उसको नागरिकता देंगे, बाकी को नहीं देंगे। उनके जो बच्चे यहां पैदा हुए उसको नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यही बता दीजिए। ये लोग, लाखों लोग जाके किन कैंपों में रहेंगे, ये बता दीजिए। और सबसे जरूरी जवाब ले लेते, कहती हूं अगर एक तमिलियन हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, जो कि हो रहा है आज श्रीलंका में, उसको नागरिकता क्यों नहीं मिलेगी इस देश में, बताया जाए इस बात का। संगीत रागी जी जवाब दीजिए, तमिलियन हिंदू को नागरिकता क्यों नहीं, सिंधी को क्यों नहीं, बलूचों को क्यों नहीं, बताइए संगीत रागी जी। तौसीफ भाई आ रहा हूं आपके पास एक मिनट, मेरे साथ मेरे परम मित्र आशुतोष भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलूंगा, वो एक बेहतर पर्सपेक्टिव देंगे पूरे डिबेट को। संगीत रागी जी देखिए देखिए, सबसे पहली बात तो कि यदि मान लिया जाए कि तमिलियन हिंदू यदि वहां प्रताड़ित हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जब वो भारत में आते हैं तो नागरिकता की मांग करते हैं, और ऐसे में कोई भी यदि नागरिकता की मांग करता है तो ये कानून उनको उनसे वर्जित नहीं करता है। दूसरी बात मुझे ये समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ये वो धरती है जहां पर 1947 में इस देश के मुसलमानों ने यह कह करके इस देश का बंटवारा किया था कि हम हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग संस्कृति हैं, हम नहीं रह सकते, साथ साथ नहीं रह सकते, और इस आधार पर बंटवारा हुआ। अब उन्हीं की संतान भारत में आकर के बंगला पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदल दी, आसाम की डेमोग्राफी बदल दी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी बदल दी, सीमांचल बिहार की डेमोग्राफी बदल दी, दिल्ली और अन्य जगहों तक जा करके बस गए। हैरानी इस बात की होती है कि कांग्रेस गांधी परिवार ने इस देश का बहुत नाश किया है। सत्ता में बने रहने के लिए गांधी परिवार ने इस देश के साथ वो सारे समझौते किए जिसे देशद्रोहियों की संज्ञा की दी जा सकती है। हैरानी की इस बात के लिए होती है कि आज एक तिहाई हिस्सा जो कश्मीर का चला गया है पाकिस्तान पे, वो किसकी देन थी? 70 साल में उस पर विमर्श ही नहीं होता है। 370 जब खत्म होता है तो कांग्रेस की चीख निकलती है, अरे भाई वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो कोई परमानेंट फिक्स्चर था नहीं, लेकिन कांग्रेस ने इसे परमानेंट फिक्स्चर बना दिया। क्यों बना दिया भाई? सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, सबों ने समझौता किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वही था। दिक्कत कांग्रेस की यही है कि कांग्रेस ने 20% बात नहीं कर रहे हैं संगीत रागी जी, आपने जो पॉइंट बोले सीए पर उसी पर डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। कांग्रेस ने सुन लीजिए, गांधी परिवार ने, गांधी परिवार और कांग्रेस दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा, जितने भी राष्ट्रवादी तत्व शुभचिंतक इस देश के थे
नेहरू के समय से उन सारे लोगों को एक एक करके किनारे कर दिया गया था, पुरुषोत्तम दास टंडन हुआ, आप जिनका नाम ले लीजिए। कभी आज स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सिमी के साथ खड़ी हो जाती है, इंडियन मुजाहिदीन के साथ खड़ी हो जाती है, मुसलमानों का वोट चाहिए, इसलिए सारे कुकर्म किए जा। देवकांत बरुआ एक नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, यहीं से मैं बहस को आगे ले जाता हूँ, सीधे चलता हूँ। यही आरोप ममता बनर्जी की पार्टी पर लगता है। संजीव जी बहुत लंबा लंबा हो रहा है, हम छोटी 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 अपनी बातें रखे, ज्यादा बोलने को मिलेगा। मैं सीधे तौसीफ के पास चलता हूँ। तौसीफ, यही आरोप आप पर लगता है कि मुसलमानों को वोट पाने के लिए आपने इलीगली बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए पश्चिम बंगाल के दरवाजे खोल दिए, और आप किस आधार पर सीए को रोकेंगे? कृपया मुझे बता दीजिए, किस कानून के आधार पर? दीपक जी, पहले मुझे एक बात बता दीजिए कि आज हम लोग पैनलिस्ट बैठते हैं और इतने बड़े चैनल में बैठते हैं, न्यूज नेशन, आप जैसे जर्नलिस्ट के साथ बैठते हैं, और यहां पर वही बात होती है, 370 कश्मीर, पाकिस्तान, जिन्ना, नेहरू, बात डेवलपमेंट में नहीं हो सकती है, वही बात सीए, अन्य कंट्री से कोई लोग नहीं आ सकते यहां पे। कोरोना काल में जो पैदल चल के व्यक्ति जा रहा था उसको घर तक नहीं पहुंचा सके, और इनकी औकात देखिए, जो बाहर देश में रहते हैं इनको लाना चाहते हैं। भैया, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? क्या हमारे पेशानी में लिखा है कि हम हैं, या आप यहां का आके स्टैम्प लगा देंगे कि आप हैं? ये क्या चल रहा है दीपक जी? अरे क्या कर रहे हैं? अरे जो हमारे देश में रहते हैं, पहले उसको गैस, तेल, चावल, आटा, मसूर की दाल तो दे दीजिए, फिर बाहर से लोग को लाइएगा। ये कौन सा कानून है? अरे कृषि बिल में लोगों को, यही के लोगों को मार रहे हैं, और बाहर से लोगों को लाके वापस से मारेंगे क्या? अरे सुनिए, आप मुझे बहरूपिया कहते हैं, एटलीस्ट मैं तड़ी पार नहीं हूं, मैं 2010 के सोहराबुद्दीन मर्डर केस का अमित शाह नहीं हूं, मैं बहरूपिया ही सही, मैं गरीबी सही, अगर मैं हिंदुस्तानी हूं तो हमें कम से कम हिंदू मुसलमान इकाई के साथ रहने दीजिए। अरे कहां पाकिस्तान से लोग ला रहे हैं? अरे हमें पाकिस्तान की जूती से मतलब, ठीक है, अरे कहां ला रहे हैं भाई? वो मामला खत्म हो चुका है, और जो पुराने राग लापना भाई, अदालत भी उस मामले को खत्म कर चुकी है। सीधे मैं आशुतोष जी के पास चलता हूं। आशुतोष, असम में सीए के बारे में खामोश रहना और पश्चिम बंगाल में ये कहना कि पहली कैबिनेट मीटिंग में सीए पास हो जाएगा, क्या ये बीजेपी के लिए दोधारी तलवार बन गया है? तौसीफ भाई रुकिए, संजीत जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, आशुतोष बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आशुतोष बताइए, क्या ये बीजेपी के लिए दोधारी तलवार बन गया है? सामने नहीं लाएंगे क्या सीए? देखिए दीपक, दीपक ये शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आपने अपना मौका ले लिया। आशुतोष, सिर्फ आशुतोष की आवाज। दुधारी तलवार, ये दुधारी तलवार नहीं है, ये राजनीतिक अवसरवादिता है। अब देखिए, आप असम के अंदर जो दरअसल वहां पे एनआरसी सबसे बड़ा मुद्दा था, बांग्लादेशी, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल पिछले कम से कम 20-22 सालों से लगातार बहुत तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी उठा रही थी। आज की तारीख में जब एनआरसी की लिस्ट बन गई और उसमें यह बात स्पष्ट हो गया कि 19 लाख में से ज्यादातर 50% से ज्यादा हिंदू लोग हैं और वो बांग्लादेश से आए हुए हैं, तो एक तो ये अपने आप पे मिथक जो क्रिएट कर दिया कि बांग्लादेश से सिर्फ मुसलमान भाग के आए हैं, मुसलमान ही बांग्लादेशी हैं और वो इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो जो प्रचार था वो प्रचार अपने आप पे ध्वस्त हो गया। जब वो प्रचार ध्वस्त हो गया, पता चला कि ज्यादातर लोग हिंदू आए हुए हैं, तब इनको ये समझ में आया कि तो पूरा मामला उल्टा पड़ रहा है। अब आप देखिए कि अब भाषा बदल गई, अब घुसपैठिए नहीं कहते, अब कहते हैं शरणार्थी जो आए हुए हैं। तो भाई आप ये बता दो कि वो कौन से शरणार्थी बांग्लादेश से जो आए हुए हैं, वो किस धर्म के हैं? वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, कौन से शरणार्थी? तो ये जो भाषा का जो भाषा बदली हुई है गृहमंत्री महोदय की, कि पहले घुसपैठिए थे अब शरणार्थी हो गए, तो आपको स्पष्ट करना पड़ेगा शरणार्थी कौन है। बांग्लादेश से आने वाला हर आदमी, और मैं तो बहुत साफ तौर पे कहता हूं, मैं लाग लपेट वाली बात नहीं करता, जिन लोगों ने 1947 में इस देश से जिनको मोहब्बत थी, वो अगर इस देश में नहीं आए तो हम आज 70 साल के बाद उनका स्वागत करने के लिए क्यों तैयार है? अगर उनको इस मुल्क से मोहब्बत थी, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, और अगर वो आज बाद में किन्हीं परिस्थितियों से अगर वो हिंदुस्तान आते हैं, तो मुझे तो उनसे कोई मोहब्बत नहीं है। मुझे मोहब्बत उनसे है जिन्होंने 1947 में इस मुल्क को अपना मुल्क माना, जो पाकिस्तान जा सकते थे, बांग्लादेश जा सकते, नहीं गए, यहीं पर रहे, यहीं पर मरना जीना सब कुछ उन्होंने किया। तो हमें उनसे मोहब्बत होनी चाहिए, या उनसे मोहब्बत होनी चाहिए जिन्होंने जब देश का बंटवारा हो रहा था तो भारत आना गवारा नहीं समझा।
ठीक है, वैलिड पॉइंट। संगीत रागी जी जवाब। दीपक जी, दीपक देखिए, दीपक जी जो इस देश में उस समय रह गए थे 1947 में, उसमें भी बहुत सारे ऐसे थे जिनको इस देश से मोहब्बत नहीं था, परिस्थितियां ऐसी थी जो जा नहीं सकते थे, जो जो लोग संपन्न थे, सुविधा संपन्न थे, वो सब देश छोड़ करके चले गए थे। 1946 में इन्हीं मुसलमानों ने देश के मुस्लिम लीग के साथ खड़े हुए थे, कोई गांधी के साथ नहीं खड़ा हुआ था। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत साफ साफ कहा, इन्हीं लोगों ने देश तोड़ने की बात की थी 1946 के अंदर। इसलिए ये गलत फहमी देश के लोगों को नहीं होना चाहिए कि इस देश का मुसलमान मोहब्बत के कारण यहां रह गया था। दूसरी बात, अभी तो एक बात चल रही थी कि भाई कोई चीज है बांग्लादेश, यहाँ मुसलमान के अलावा डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते? मुझे बताइए, देश का एक भी मुसलमान बताइए जो इस देश में बात नहीं करते हो। अरे दुनिया में कहीं और प्रॉफिट पर कार्टून छपता है, दंगा यहाँ करता है मुसलमान। इस्लाम के दीपक, ये बहुत ही ऑफेंसिव जैसे लोग बहुत ही ऑफेंसिव भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दिमाग खराब दे रहे आप इस देश में। इस्लामिक आपने संगीत से लॉजिकल जवाब दिया है। मैं सीधे राहुल अखाना के पास चलूंगा दिल्ली, मेरे एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उसके बाद सुप्रिया के पास। राहुल मुझे बताइए, क्या CAA लागू होना चाहिए? जय हिंद। नमस्कार दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लायक समझा। असल में मुद्दा है ही नहीं, एक विषय था जिसमें अगर कांग्रेस करती है पास, अगर वो भी क्या नाम है, वो चाहते थे कि CAA और NRC पास हो, मनमोहन जी ने बोला था। अगर BJP पास कर रही है तो गलत है। ये उनका पहले उस मुद्दे को मुद्दा बनाते हैं, फिर उसका विरोध करते हैं, और विरोध के बाद अवरोध उत्पन्न करते हैं, और इन्हीं के अवरोध के कारण आप जानते हो हमारे कई राष्ट्रीय मार्ग और राज्य मार्ग बाधित रहे हैं, क्योंकि ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं उस विषय को मुद्दा बनाकर। इनकी ये अवरोध और विरोध करने की रणनीति शुरू से रही है। ठीक है राहुल, इसी बात से सुप्रिया के पास चलता हूँ। सुप्रिया, पहले आप खुद CAA चाहते थे, मनमोहन सिंह जी का स्पीच ऑन रिकॉर्ड है। क्या CAA का विरोध आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि BJP सरकार इसको लेकर आई? मैं सबसे पहले तो जो RSS के प्रवक्ता है उनकी बात पर अपना पुरजोर आपत्ति करती हूं, और मुझे लगता है हर इस व्यक्ति को पैनल पर करनी चाहिए। एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहकर ये जिस तरह से मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे लगता है वो बहुत घटिया सोच दिखाता है, बहुत ब्लास्फेमस बातें हो रही हैं यहाँ पर। मुझे लगता है हम में से यहाँ पर कोई भी बैठकर किसी को राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट ना बांटे, और वो लोग ना बांटे जिन्होंने 53 साल का, वो लोग ना बांटे जो माफीनामा और मुखबिरी करते थे। मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगी, मुसलमानों का वोट 70% कर रहे हैं। उस नौटंकी बात राहुल गांधी और उनकी आप बहुत ही गंदी सोच दिखा रहे हैं अपनी, आपके मैं मुंह पे बोल रही हूँ। अरे मैं तो आपके मुंह पे बोल रहा हूँ कि आप घिनौनी बातें आप कर रही हैं बिना पढ़ी लिखी है। सरकार बंगाल में किसने बनाई थी? उच्च पत्रकार संगीत रागी जी बोलने दीजिए सुप्रिया को, आपने अपना विरोध दर्ज करा लिया। एक तुच्छ पत्रकार की आप हैसियत है आपकी, इससे ज्यादा नहीं है। यदि आपने पढ़ा होता तो तथ्यों के आधार पर आप मेरी बात शब्दों का इस्तेमाल संयम से प्लीज। बिल्कुल, मैं ये कौन सी आप, कोई नई बात अपने, नहीं है भैया। आप इस जिंदगी और RS का चरित्र है कि औरत जात का कैसे बेइज्जत किया जाए, औरत जात का कैसे रेप किया जाए उत्तर प्रदेश में, वो योगी ने यही सिखाया है और RSS की यही पढ़ाई है।
कि कैसे भी बिल के औरत को कैसे बेइज्जत किया जाए, और वो बंगाल आके ये बोल के जाते हैं इस औरत बंगाल में सेक्स नहीं करेगी, वही लोग हैं जो औरत को बीच रास्ते आपका पॉइंट बेइज्जत कर रहे हैं। सुप्रिया जी कंक्लूड करिए, सुप्रिया जी कंक्लूड करिए, और संजीत रागी जी कृपया शब्दों के चयन में सावधानी बरते। मैं तुमको भारत ने मलेच्छी इसीलिए कहा था क्योंकि तुम्हारी सभ्यता में हिंसा को हिंसा और हैवानियत है, तुम्हारी सभ्यता में हिंसा और हैवानियत है, और दुर्भाग्य है कि उस हिंसा और हैवानियत को गांधी परिवार आज सपोर्ट करता है कि गांधी परिवार के बेरोजगार नौजुवक को सत्ता चाहिए। दीपक चौरसिया जी, मैं तीन सवाल पूछना चाहती हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, क्या ये भूल गए? फैजुल्ला जो 10 साल तक कैद करके आया था, दीपक जी, दीपक जी ये जानिए कि नेहरू ने इस देश के साथ कितना विश्वासघात किया। संजीत रागी जी प्लीज कंक्लूड करने दीजिए उनको, संजीत रागी जी प्लीज, और शब्दों का चयन थोड़ी शालीनता से। राजेंद्र प्रसाद के साथ विश्वासघात नेहरू ने किया, 1962 में देश के साथ विश्वासघात नेहरू ने किया, पाकिस्तान को लेकर के विश्वासघात नेहरू ने किया, परमाणु ऊर्जा को परमाणु बम बनाने को लेकर के विश्वासघात नेहरू ने किया, इस देश के साथ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मामला को लेकर देश के साथ विश्वासघात कांग्रेस ने किया। संजीत जी सवाल सुन लीजिए, संजीत जी सवाल, मैं दोनों को रोकूंगा, फिर मुझे दोनों को रोकना पड़ेगा। सुप्रिया जी कंक्लूड करिए प्लीज, संजीत रागी जी एक मिनट के लिए रुक जाइए, आरपीसी का भी एक शब्द भी नहीं बोले, सुप्रिया जी कंक्लूड करिए प्लीज। मर्यादा नैतिकता की इतनी गंदी कीचड़ में घुसी हुई है कि उसके प्रवक्ताओं का कोई नैतिक हक नहीं होता है सवाल पूछने का। प्रिवेंटिव डिटेंशन किसने हटाया जम्मू कश्मीर चुनावों के दौरान? इन्होंने बिल्कुल फैजुल्ला को टिकट किसने दिया? इन्होंने अजहर मसूद को किसने रिहा किया? इन्होंने मुस्लिम लीग की सरकार इन्होंने बनाई? ये किस तरह की बातें करते हैं? ये दोगले हैं, ये गोडसे के हत्यारे हैं, ये गोडसे के समर्थक हैं, ये गांधी के हत्यारों के साथ खड़े होते हैं। संगीत भाजी अपनी असलियत दिखा रहे हो। ठीक है, मैं सीधे आरपीसी जी के पास चलता हूँ। सुप्रिया जी आपने अपने पॉइंट रखे, मैं सीधे आरपीसी जी के पास चलता हूँ। आरपीसी जी बताइए, क्या सीए आपके लिए दोधारी तलवार बन गया है? असम में अलग स्टैंड और बंगाल में अलग स्टैंड? दीपक, मैं अपेक्षा करूंगा कि बहन जी थोड़ी शांति आरपीसी उग्र रूप में है। हाँ, मैं तो हाथ जोड़कर बहन जी से विनती करूँ, आज थोड़ा उग्र रूप है, बाकी लोगों की सुन लो बहन, कोई बात नहीं, आप बहुत पढ़ी लिखी होंगी, बहुत सुविधान होंगी, परंतु गाली गलौज मत करिए ना, आप हर आदमी को एक ही फुट्टे में आखिरी बड़ी देर से आपकी डिबेट देख रहा हूँ मैं। खैर, विषय देखिए, सीए हमारा कन्विक्शन का इशू है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो मुंह बंद करके बैठे इसको लागू होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कोर्ट से के उपासक संगीत रागी, इनको ताकि अभद्र अश्लील भाषा का प्रयोग करें, व्यक्तिगत टिप्पणी करें, इनके अलावा और इनके पास कोई गुण और योग्यता नहीं है। गांधी परिवार के तलवे चाट करके बाहर आकर हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 30 साल से एंकरिंग कर रहा हूँ, लेकिन भाषा की मर्यादा को गिनते हुए इतना मैंने आज तक नहीं देखा। मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम नेशनल टेलीविजन पर हैं, मैं सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुप्रिया जी, संगीत जी, इससे पहले गौरव भाटिया जी थे, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद आरपी सिंह जी से बहस की शुरुआत होगी और आशुतोष से, ब्रेक के बाद।